अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह जी आपको भी बिल्कुल ठीक ठाक करें। मैं उठी अभी सो के, तो किचन में आते साथ अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, लेकिन मैंने ये देखा था ये कल में प्याज टमाटर लहसुन और अदरक, इसको मैंने कल किया था बॉयल, ठीक है, बॉयल करके। तो मैंने कहा ईद आ रही है, तो ये प्याज लहसुन टमाटर का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बना के रख दूंगी। तो जैसे ही कोई मेहमान आएंगे या मुझे कहीं इमरजेंसी में, जैसे मैंने कहीं जाना हुआ, मुझे कुकिंग करनी पड़ गई, तो मेरा ये पेस्ट बना होगा। और बस मैं अपना लहसुन और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, बस थोड़ा सा गरम मसाला जो है, इससे मैं इस पेस्ट को देखिए मैं डालूंगी, वो उस पर फिर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी ये देखें, मैं सिर्फ ये पेस्ट बना के तैयार करके रख रही हूँ, ठीक है, हो गया। जब मैं कहूँ ना ठीक है, तो फिर वो ऑफ कर दी। ये देखो, कल तुम्हारा तो कल तुड़ी वजह तो मेरी उंगल कटन हुई है, तो मैं आया था कि छुरी तेज कर, तो छुरी तेज करने के बजाय तो आपने छुरी तोड़ दी, छुरी तोड़ी और जो छुरी का खूंगा तो वो मेरे हाथ में लग गया और ये मेरा हाथ कटना हो गया। अभी तक खड़ी हो और मुझे सालन बना के दो। गाइस, मैं जा रही हूँ एक मरने वाली की दुआ पे, कुरान खानी पे। तो मैंने कहा चलो अपना थोड़ा सा सालन घर वालों के लिए बना के चली जाती हूँ, क्योंकि हमने तो खानी है वहाँ पे खाना, और घर वालों के लिए मैं बना के जा रही हूँ कि मेरी कुक बीमार हो गई है और उसको इंजेक्शन लगेंगे, उसके हाथ में कैंडा लगा है, मेरी कुक जो खाने बना बना के हम लोगों को खिला खिला के हम लोग चले। अब जल्दी से ये देखें कितना मज़े का ये मैंने दिया है। प्याज और आलू को मैंने एक जगह ब्राउन किया, बीच में जीरा डाला है, अब ये कीमा है। चलो सदर किधर भाग रही है, नहीं रजिया रुको, कहाँ भाग रही है, अच्छा जाओ, ये हो गया। अब ये मैंने बनाए हैं सरसों के तेल में, ठीक है, ये देखें ये सरसों के तेल में बना रहे हैं। और ये पीनट बटर मैंने, मेरी उंगली कट गई और मैं फिर गिर रही हूँ। ये देखें मैं चौकी पे खड़े होकर खाना बना रही हूँ, कोई बात नहीं, छोटी हाइट वाले हैं तो क्या हुआ। अच्छा ये देखें, एक्सक्यूज मी, चम्मच दे दें। ये पीनट बटर है जो कि सॉल्टी, हम लोग सॉल्टी आ गया, क्या आ गया, सॉल्टी। तो अब ये मैंने कहा कहाँ इसको यूटिलाइज करूँ, तो अब मेरा दिल भी खफा हो रहा है, ये थोड़ा सा मीठा भी है और कोको चॉकलेट पीनट बटर है ना, तो रोज़ाना मैं अपने खाने में ये एक पीनट बटर का जो स्पून है ना ये डाल के, तो ये मैं इंशाल्लाह 15-20 दिन के अंदर अंदर ये पूरा मैं ख़त्म कर लूँगी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कि ये आया गलत है, घर वाले नहीं खा रहे, मैं इसको डस्टबिन में डालने की बिल्कुल भी वो नहीं है। तो इसको मैं रोज़ एक खाना जो बनेगा उसके अंदर ये डालूँगी। ये देखिए एक चम्मच मैंने डाल दी और ये एक और चम्मच डाल दी ये, और जब भी मैंने आपको ग्रेवी बना के दिखाई है ना, और जब मैंने आपको ग्रेवी बना के दिखाई थी, ये देखिए ये ग्रेवी है, ठीक है, बिस्मिल्लाह मान लीजिए। अब ये एक ग्रेवी मैंने इसमें डाल दी, ये देखिए ये एक और ये दो और ये तीन। अब ये देखिए मुझे कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ये मैंने इधर रख दी। और ये देखिए चम्मच एक भी नहीं है, पता नहीं चम्मच कहाँ चली जाती है। बेसिक मसाला है सूखा धनिया, और डड़ा मिर्च, और बाकी मसाले घर में ख़त्म हो गए। तो अगर किसी कोई एफ्टोबाद जाता है, जाएगा या मानसेरा जाएगा, तो मैं उससे मसाले मंगा लूँगी, लेकिन घर में अब यही तीन मसाले हैं और इन्हीं तीन मसालों से मैं खाना बनाऊँगी, लहसुन अदरक प्याज टमाटर और ये बेसिक मसाले तीन, ठीक है, ये हो गए। अब ये पकता रहेगा, अब मैं
अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, और ये सालन जो है हल्की आंच में पकता रहेगा, मुझे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इजी, इतनी इजी कुकिंग आप लोगों ने कहीं नहीं देखी होगी सवाए शादिया के किचन में, शादिया के किचन में जो कि अभी गंदा है, अभी साफ़ नहीं हुआ और अभी साफ़ करेंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे तैयारी में, तैयार होते हुए मिलेंगे। हाँ जी, हम सुबह चले गए थे एक कुरान खानी पे, तो अभी मैं आई हूँ और आते साथ ही तो बाहर मेहमान आ गए हैं, उनके लिए मैं शरबत बना रही हूँ। और ये देखिए, ये बहुत मज़े की शरबत है, ये सादन है, ये पिस्ते बादाम और उसकी है ना, तो जो मेहमान आए उन्होंने कहा हमें ये वाली शरबत पीनी है, तो ये देखिए मैं उनके लिए शरबत बना रही हूँ। देखें इधर, देखें ये ठंडा पानी है, ये देखें, ठीक है? और ये एक जग शरबत बना के तो मैं बाहर दे दूँगी अपना मेहमानों के लिए, फिर मैं आपको लेके जाती हूँ अपने स्टोर में, मतलब इंग्लिश में स्टोर, उर्दू में गोदाम, गोदाम में लेके जाऊंगी और वहाँ पे बनाऊंगी चूहों की दवाई। इतने चूहे हो गए कि लगता है कि बस अब चूहे जो है ना वो सब कुछ ख़राब कर देंगे, या कपड़े ख़राब कर देंगे, या बेडशीटें ख़राब कर देंगे, या कुछ भी ख़राब कर देंगे। तो ये बर्तनों के दौरान इनमें भी चूहे घुस रहे हैं ना, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग चूहे की दवाई कैसे बनाते हैं। जी जानू, ये आपकी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया है, बस आपको क्यूट लगा है ना, ये मास्क भी, हाँ ये मास्क भी मुझे गिफ्ट मिला है, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने दिया, उन्होंने कहा हाथ जोड़ते हैं अपने मास्क बदलने, मुड़ के वही मास्क लगाती, तो ये मेरा नया मास्क है, नया वाला मास्क है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? गंदा लग रहा है क्यों? ये देखें ये कितना, ये कैसा बेबी है कि जब अपनी जी बेबे को बोल रहा है कि मास्क आपको गंदा लग रहा है। जी बेबे क्यूट नहीं लग रही? नहीं। जी बेबी क्यूट नहीं लग रही? नहीं। प्लीज अकरम खान ऐसे मत करें, बोले जी बेबे आप क्यूट लग रही है, बोले चलो नहीं तो ना सही, अगर मैं उसको क्यूट नहीं लग रही तो मेरा कोई, ये इनका मसला है, मेरा मसला नहीं है, लेकिन मैं तो अपने आप को क्यूट ही बोलूंगी। ये लो, नहीं बनती अलाया लाला की है। ओह गाइस, मुझे तो लगता है गर्मी में लोगों के लिए मैं शरबतें बना बना के मैं खुद शरबत ही ना बन जाऊँ, और क्योंकि मीठा चखना पड़ता है बार बार वो देखें, एक्सक्यूज मी, आप तला बैठो बिल्कुल तला, ये मेरा तला, मेज के नीचे घुस जाओ लड़की, ये शरबत, सारी शरबत गिर गई, ओ भाई ओ मी शरबत गिर गई, ये क्या सीन है? अब ये देखें गाइस, ये इतनी बड़ी शरबत है, और ये मुझे अभी बनानी है, पूरी नहीं बनानी, देखिए एक वजह से मुझे 8-10 गिलास बनानी है, और शरबत चख चख के तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही मीठी हो जाऊंगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये देखें, ये है जनाब चूहे की दवाई, वो चूहे जिसने हमारे चूहों की दवाई है, वो चूहे जिसने हमारे घर में धावा बोल दिया, जिसने हमारे घर में हमला कर दिया है, और हम उस हमले से बचने के लिए इससे मुकाबला करेंगे। ये है जहर, ये जहर है, चूहों की फेवरेट डिश है, ठीक है? और ये हमारे लिए जहर है, इसलिए इसको अपने और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ठीक है, ओ यकीन हो रहा है, करने की कोई बात नहीं, ऐसे कामों में ऐसा ही होता है। प्लीज इसको काटें, ये वो छुरी है जो नाक भी नहीं काटेगी, ये देखें छुरी काटती, ये इतनी कैसी छुरी है ये हमारे घर में कि जो काट ही नहीं रही, ये अल्लाह ये बेचारी, ये बेचारा, ये मेरा मुंह बड़ा है तो ये मास्क छोटा है, दोनों में से कोई एक मसला है, यह मेरा मुंह बड़ा है या मास्क छोटा, ये देखिए फिर निकल आया। ओहो, मुझे लगता है कि मेरे कान छोटे हैं जिसमें से ये स्लिप हो के उछल उछल के बाहर आ रहा है, ये देखें ये हो गई, इसको कैसे डालना है, चीर के बाबा इठा बाबा उठा बाबा, ये देखें जी, ये हमने सारी इसमें डाल दी, ये 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 ठीक है, और ये भी,
ये चूहों का हमने खात्मा करने के लिए उनका इलाज शुरू कर दिया है। और गाइस अभी हम देखेंगे इन दवाइयों को जगह जगह इनको कि जहाँ पे चूहे ज़्यादा आते हैं, और इंशाल्लाह अगर ये चूहों ने दो दिन में खा ली और कोई चूहा मुझे मिल गया मरा हुआ तो मैं आपको ज़रूर से मुलाकात कराऊंगी। लेकिन शर्त यह है कि चूहा कहीं मिले सही मुझे कि ये ना खा के बाहर ही भाग जाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।